बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं जनाब बना रही हूँ मीठा, और ये मीठा मैं अक्सर पहले भी बनाती होती हूँ कि लजीज़ा खीर और सेवैयों को मिक्स करके मैं बनाती हूँ। और लजीज़ा खीर में, क्योंकि पहले ही वो पैकेट में चीनी होती है, तो आपने थोड़ी सी चीनी और ऐड करनी है, दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना है, और ये बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट वाला मीठा तैयार हो जाएगा। और ये मीठा मैं किस खुशी में बना रही हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मेरे चैनल के पाक मोम इन स्पेन के 1K हो गए थे कल इस खुशी में। और क्योंकि बेशक ये 1K होना बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मैं छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश हो जाती हूँ, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और उनको सेलिब्रेट करने लग जाती हूँ, तो 1K होने में, जब चैनल स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जब स्टार्ट किया था तो तब मकसद सिर्फ ये था कि जो स्पेन में रहने वाली हवातीन हैं उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिसके बारे में वो नहीं जानती, स्पेशली जो लेडीज़ न्यू कमर्स होती हैं वो यहाँ के, उनको नहीं पता होता कि अच्छी ग्रॉसरी कहाँ से करनी है, अच्छी शॉपिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से अच्छी और मुनासिब रेट्स वाली चीज़ें मिलती हैं, कौन सी प्रोडक्ट ब्यूटी के हवाले से बेहतर है, कौन सी यूज़लेस है और कौन सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा उनको इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्से से रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है कि मैं किसी को और को गाइड कर सकूँ। और इस ज़्यादा ये था कि लेडीज़ को सिर्फ इंटरटेनमेंट ना दी जाए, सिर्फ कुकिंग और डेली रूटीन के व्लॉग्स के साथ साथ उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको कुछ सोचने की नई चीज़ें दी जाएँ, कुछ डिस्कशंस की जाएँ, कुछ उनकी राय ली जाए। और काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ जो हैं वो इनबॉक्स में मैसेज करती हैं कि हमें कोई डोमेस्टिक हेल्प के लिए कोई हेल्पर चाहिए, या हमारे हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से हम कहाँ से ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं, कैसे इलाज वगैरह के सूरत हाल है यहाँ पे। और कुछ ऐसी हैं जो, और ये कुछ ऐसी हैं जिनके पास कोई हुनर होता है सिलाई कढ़ाई का, ब्यूटी पार्लर का, और वो पूछती हैं कि हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम कैसे इसको यहाँ पे अपना ज़रिया मौश बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, और आप सब लोगों का इंटरेक्शन आपस में करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह इस चैनल को बनाया था मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आप सब लोगों ने दिया। आइंदा भी बहुत से प्लान है मेरे जहन में, जिनमें हेल्थ है और ब्यूटी है, शॉपिंग है, कुकिंग है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मेरे चैनल पे, और स्पेशली इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट न्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह भी मैं अपनी वीडियोज़ में, अपने व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। इस सारे सफ़र में कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिल गए, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा मैं नाम लूँगी डॉक्टर सैरिश गुल साहिबा का। डॉक्टर सैरिश गुल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हेल्प की है, और हम आइंदा भी आपको तंग करते रहेंगे। डॉक्टर सैरिश गुल साहिबा बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और इसके अलावा BBC अपडेट TV वालों का, सर आपका कमेंट, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और इसके अलावा कुछ मेरी बहनें जिन्होंने रिस्पांस दिया बहुत अच्छा, उनमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी, नाम लूँगी खुनशा आसिफ, मेरी दोस्त भी है, मेरी भांजी भी है, शबाना राजा, फ़ातिमा जी, निदा जाफ़र, जन्नत चौधरी, मिस बाबी लाल, बिनते हवा, मिसेस तारिक, आयशा बीबी, मारिया एजाज, वलीहा नूर, मोमो नूर और अक्सा काशिफ। आप सब लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप सब फीडबैक है, वो मेरे लिए बहुत अहम है। और आप सब लोग जो कमेंट्स नहीं करते लेकिन वो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स किया करें। आप सब लोगों की तनकीद और तारीफ़ मेरे लिए बहुत अहम होती है, वो आइंदा की स्ट्रेटजीज़ प्लान करने में बहुत हेल्पफुल होती है, और जो तनकीद होती है उसको भी मैं खुले दिल से वेलकम करती हूँ, ताकि वो उससे हम मज़ीद अपनी वीडियोज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो बातें ज़रा कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं, आप सब लोग मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो बनाने तक अल्लाह हाफिज़।